हाय दोस्तों, अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है। हम लोग घर से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो अभी जा रहे हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे कन्याकुमारी एक्सप्रेस। टिकट नहीं है उसमें, आधे रास्ते तक टिकट है। वो मैं बताऊँगा आपको कि उसमें क्या परेशानी हुई, क्या क्या हुआ, उसकी वजह से टिकट नहीं मिल पाई। और फ्लाइट टिकट है चेन्नई से, तो हम लोग चेन्नई तक कैसे करके जाएंगे और फिर उसके बाद में वहाँ से हम लोग फ्लाइट से दिल्ली। तो फ्लाइट अभी मेरी फ्लाइट है मेरी कल सुबह 10 बजे और अभी ट्रेन है मेरी 6:45। तो चलते हैं, फिर थोड़ा सा बीच में बनाते रहेंगे क्या क्या है, क्या कैसे हो रहा है और ये अचानक से क्यों जाना पड़ा, उस समय आपको बताता। ये मेरी बेटी साथ में है, हम दो लोग जा रहे हैं, बाकी बड़ी बेटी और मैं अपनी वाइफ को घर पर छोड़ करके आया। दुख हो रहा है लेकिन चलो, ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है मेरा, 10 मिनट में आ जाऊँगा। तो लेकिन फिर भी थोड़ा दुख तो होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको अपने सफर के बारे में और क्या क्या बीच में होता है सब बता पाया। चलिए तो आ गए हम लोग ट्रेन में और अभी बोगी में बैठे हैं अपने कंपार्टमेंट में। यहाँ पूरा खाली है, ये परी खेल रही इधर से उधर, पूरा खाली पड़ा है। अभी हुआ क्या है कि मैंने फ्लाइट टिकट तो करवा ली थी कल की, काफ़ी दिन पहले हो गई थी, मगर ट्रेन में कोई वैकेंसी या बोलेंगे बर्थ खाली नहीं थी, सारी बर्थ भरी हुई थी। तो मैं बहुत परेशान हो रहा था, टिकट नहीं मिल पा रही थी। फिर मुझे पता चला किसी तरीके से कि जब चार्ट हमारा प्रिपेयर हो जाता है 4 घंटे पहले, उसके बाद में हम लोगों को मालूम चल सकता है, हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेशन से कौन सी बर्थ खाली है और कहाँ तक के लिए। तो मैंने वो सर्च करना शुरू किया, सर्च करते करते फिर मुझे पता चला कि कन्याकुमारी से मदुरई के लिए एक सीट खाली है, तो मैंने उसको फटाक से उसको रिजर्व कर लिया और अभी मैं उसी में बैठा हूँ। ये लोअर सीट भी मिल गई। उसके फिर मैं बहुत सर्च किया कि उसके आगे मुझे ताम्बरम तक जाना है, तो ताम्बरम तक ये चेन्नई से थोड़ा पहले पड़ता है, ताम्बरम तक अगर कोई टिकट मिल जाए तो नहीं मिली। फिर मदुरई से मिली कम तक एक घंटे का सफ़र है, उसमें अगर मुझे एक सीट और मिली तो मैंने वो भी कर लिया। तो अभी मदुरई में छोड़ करके फिर इसी बोगी में ही इसी उसमें कोच में 3 नंबर सीट फिर वो मुझे मिली, जो कि दिल्लीगुल तक है मदुरई से। तो हम लोग कैसे भी रुके 12:30 बजे तक, 11:30 बजे तक, जिस भी 11:30-12 बजे तक हम लोग रिजर्व टिकट में करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता जो हो पाएगा तो उसको हम लोग करेंगे। चलिए आगे कुछ अपडेट रहेगा तो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों ट्रेन चलने लगी है, देखिए हमारी ट्रेन चल रही है और ये राइट टाइम है, जहाँ तक उम्मीद है राइट टाइम में पहुँची, क्योंकि ये ट्रेन लेट होती नहीं है। मैं पहले भी इसमें एक बार गया हूँ, कोई लेट हुई नहीं है, मुझे नहीं लगता है लेट होती, बाकी ट्रेन चल चुकी है। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा, जितनी दूर तक तो चलेगा, कोई 11:15-11:30 बजे का टाइम है रात में, उसके बाद हम लोग जनरल में शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं टीटी ने अलाउ कर दिया बैठने के लिए तो बात अलग है, अदरवाइज जनरल में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए सफर तो शुरू हो चुका है और इसमें क्या 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 बुरा देखते हैं।